बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब क्या हाल चाल हैं? सब के ठीक ठाक हैं? कल से परसों का ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद ब्लॉग नो अपलोड नहीं किया तो नहीं बनाया। ऐसे ही ज़रा मस थक जाता हूँ, दिल नहीं करता ना। यहाँ पे आपको पता है मौसम ही ऐसा है, तो बारिशें, बाहर कहीं निकलने को दिल नहीं करता, घर में और मस्जिद में और सहरी और अफ्तारी के टाइम ही बस आजकल ब्लॉग बन रहा है। तो आप देखें, इंजॉय करें, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है यूके का तो बाहर जाएंगे, शहर में, टाउन में और बीच की तरफ। तो अभी मौसम ऐसा ही है, नहीं है सही, तो जाते हैं तो फिर आपको ब्लॉग बार का दिखाएंगे। तो बाकी सब कैसे हैं बहन भाई? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज 25वां रोज़ा हमारा, अफ्तार होने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी हैं। तो अफ्तारी है मेरे कज़न के घर, उधर अफ्तारी करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह फिर रात को तरावियाँ पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे आप सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं? और दूसरी वीडियो जो मैंने इससे पहले ही अपलोड कर रहा हूँ, ये कोई 10 4 5 वीडियो अपलोड की हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अभी व्यूज़ बहुत कम है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो अभी तैयारी करता हूँ जाने की, इसलिए कि सब घर वाले चले गए और मैं बस रह गया हूँ जाने वाला। ये देखें, इसलिए इस सारम की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, चीं चाँ कोई नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह अभी मिलते हैं, उनके घर चलते हैं और जाके आपको व्लॉग में दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इफ्तारी के लिए आज क्या बनाया है। आए देखते हैं। इतने जनाब बाहर, इधर बाहर से इधर क्या बंदा वीडियो बनाए और क्या करे, ये देख इधर क्या ज़िंदगी है, इधर कसम से फैड अप ही हो के रह गए हैं। अभी इंशाल्लाह ये देखें, ना सूरज नज़र आता है ना कोई, हर टाइम चिकड़ ही चिकड़। ये चिकड़ ही है हमारे लिए, इससे तो हमारा अपना मुल्क अच्छा है, उधर का चिकड़ भी अच्छा लगता है। यहाँ तो चिकड़ भी नहीं है कि बंदा कह सके कि ये जी ये है। ये जनाब उधर से निकले, वो घर से उधर से निकले, इधर आ गए और ये जनाब आज आपको दिखाते हैं क्या क्या बने। और अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? कोई बंदा नहीं है आगे, मैं खुद ही दरवाजा खोल लिया। आप देखें मैंने, अस्सलामु अलैकुम जनाब। ये जनाब देखें पकौड़े बने हैं हमारे लिए, आज 25वां रोज़ है। ये हो गए पकौड़े, चटनी, चाट और क्या नहीं, ये क्या है, कस्टर्ड, कस्टर्ड हाँ जी। और साथ है ये जनाब मुर्गी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मेहमान खुशी, मेहमान खुशी इधर आए हुए हैं, पूरी फुल रेस्ट कर रहे हैं जनाब। और ये भाई बैठे हुए हैं अपनी अपनी बेटी के साथ। ये जी, ये क्या नाम है इसका, फातिमा, नूर फातिमा, जरा नूर फातिमा आ गए। मैं इसके बनाई है वीडियो तो इसके पाकिस्तान के लिए। अरे सारम क्या कर रहे हैं? वो नहीं थे ना आ रहे क्योंकि हमारे जोन कर्क भी और डर गए हैं। ये जनाब पकौड़े बस आखिरी परागा लग रहे हैं, बल्कि एक और परागा है। ऐ जरा खोलो हाँ जी, इधर करो। ये जनाब माशा अच्छा चावल देना, ये भाई नहीं, ये पुलाव बना हुआ है। ये जनाब अभी जो जो ब्लॉग देखेगा एंजॉय करे। और आप भी, ये है क्या नाम इसका, फाते फाते मोटा है ना, ये है मानू। ये जनाब मैं हूँ और ये हम आए अफ्तारी के लिए और इधर अभी बैठेंगे, बैठ के बनाते हैं। क्या कर रहे हैं हसन, मोटरसाइकिल का? सारा पीछे हो जाओ। हाँ जी जनाब, बस रोजे में रह गए कुछ चंद मिनट ही रह गए, एक मिनट बाकी है। तो आज आप देखें ब्लॉग साथ साथ देखें, लाइव लाइव आप वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो रखो लेगा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लो खजूर दो, दो खजूर दो खजूर, हाँ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डब्बा में आप, अच्छा डब्बा उठाना नूर के आगे से। ओए सारम इधर बे, सारम इधर बे है, नूर कवर हो गया।
नूट आग डब्बे के पीछे हुई हुई है, छुपी हुई है ऐसे। हसन देख रहा हूँ। ए नूर इधर देखो, इधर नूर इधर देखो, अपने भाई किधर हो? हाँ जी जनाब, अभी खाना शाना खा के तो अभी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको और दे और इनके इनकी कमाई में बरकत डाले। एक भाई का घर बांधा, फिर दूसरे का बने माशाल्लाह, फिर तीसरे का बने। अल्लाह ताला इनको इस्लामाबाद में और अपने गांव में अच्छे से अच्छे घर दे और हमें भी वहाँ जाके इस्लामाबाद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जब हम बालाकोट जाया करेंगे ना, स्टाफ उधर किया करेंगे, ठीक है? आमीन। और मैंने भी इस्लामाबाद में घर बनाया था तो वो मैंने सोल्ड कर दिया है, उसकी लेके गाड़ी अच्छी सी एक उन पैसे। आमीन आमीन। बच्चों ने क्या ये खिलौनों के साथ किया हुआ है। ओए होए हो, सारा सारा मेरा गाना सुनाओ। गाना नूर वाला आया है क्या? वो देखो वो क्या कर रही है नूर फातिमा। ए नूर फातिमा, ए ये गई है अपने जनाब के परदादे के ऊपर, हमारे मामू थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मामू जी बोल, ये उनकी क्या है, दोतरी पोतरी? पोतरी। हाँ जी हाँ जी, ये पोतरी है हमारे हमारे मामू जो थे। और ये उनके बच्चे, उनकी फैमिली है। और ये सारा में इधर देखो, ये गुजरा वाले का है। जनाब आ गई है चाय, आप पियेंगे चाय। और पाकिस्तान में जब मैं होता हूँ ना तो गोल्ड लीफ जो समझते हैं, गोल्ड लीफ पीते हैं और इंजॉय करते हैं। और इधर आके कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी सम टाइम कोई यार दोस्त आता है, यार दोस्त आता है तो वो ले आता है पाकिस्तान से, तो पी लेते हैं। ये शोर मचाया हुआ है तो हम इंशाल्लाह देखते हैं अभी ब्लॉग को। और जनाब देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और हो रही है, नूर फातिमा हो रही है। बताएं बाबा जी कैसी थी आज की इफ्तारी? आज की इफ्तारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और बड़ा एंजॉय किया है। अल्लाह ताला इनका कबूल इफ्तारी कबूल मंजूर फरमाए और इनके रोजे कबूल मंजूर फरमाए और हमारे भी। हंसने की बात नहीं है ये शीला। मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं बताएं? हालात इंटरव्यू करवाएं। हालात बहुत साजगार हैं। अच्छा, पहले ठीक थे, अब हालात काफी साजगार हैं। और हमारे मुर्शिद जो है जेल में है। अच्छा, तो हम भी अपने आप को अंदर ही समझते। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं साजगार का मतलब। साजगार का मतलब ये है कि जब हालात काफी खराब होते हैं ना तो उनको साजगार कहते हैं। हालात काफी साजगार है, ठीक है। खराब जो होते हैं ना, खराब को साजगार होता है। और आप कुछ कहना चाहें? कह दें। कहना कुछ भी नहीं है, बस यही है कि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है और बारिश होती रहती है हर टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं। अच्छा। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और व्लॉग बनाते हैं, ठीक। और सोते हैं सारा। वो दिल का उड़े लबड़ मिलू सारा का दिल करता है। ओए ना बोतल होने में बोतल आ पीजा ओ थे ओ जग मैं पी ले। सेवन नहीं, नाइस है, नाइस हसन, नाइस हसन। अगर कौन से एयर सलून से बाल कटून है तुम्हारे? सलून से एयर सलून से। अच्छा, सलून से कटवाए हैं बाल? कौन से सलून से सारा? तुमने कौन से सलून से बाल कटवाने हैं? तुमने कौन से सलून से बाल कटवाने हैं? ये क्या खा रहे हो? अरे टिश्यू छोड़ दे, पानी चूस रहे चाय में बोतल। टिश्यू पानी चूस रहे अजय, और टिश्यू आधा शिकला पानी चूस रही पानी में बोतल चाय में बोतल। ये जनाब अभी रोजा खोल के तो बस इंशाल्लाह ना सोफे के ऊपर, सोफे टूट रहे हैं, थकने वाले हैं, थके हुए हैं, लेटने को दिल कर रहा है। वो जो मौलवी कहते हैं ना सारे पाकिस्तान में खजूरें पकौड़े और समोसे ऐसे खाते। आप तराबियों पे लेट हो गए हैं, तराबियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं अभी मस्जिद में, तो हंसो जल्दी करो जल्दी आओ। तराबियां जैसे जाते हैं ना मस्जिद में, ये यूके की पहली मस्जिद है जिसके अंदर मैं तराबियां पढ़ने के लिए जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अपनी मस्जिद में जाता हूँ जो रहमा मास्क है, तो कभी इस मस्जिद में, दो मस्जिदें हैं, तो उसमें मैं पहले जाता था रहमा मास्क में, उसमें भी कभी जाता हूँ और कभी अब इसमें, दोनों मस्जिदों में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी सर्दी भी है, बारिश देखें उसी तरह लगी हुई है। चलो चलो चलो, सन जल्दी करो।
लो जी जनाब तराबियों का ये फुटबॉल मैच अभी ख़त्म हुआ है, बहुत रश है अभी ना इधर लिवरपूल में, एक तो मैच बहुत होते हैं, इनको बड़ा शौक है मैच खेलने का और मैच देखने का। तो ये देखें लोग जो ज़्यादा पैदल चल रहे हैं ना, लोग ये सब मैच वाले। ये जनाब गाड़ी मैंने इधर रोड पर खड़ी की हुई होती है ताकि इसको ना कोई मसला टेंशन ना बने। चलो 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 चलो, हाँ जी बस जा रहे हैं, 5 मिनट में ही मस्जिद में पहुँच जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जाके दिखाते हैं मस्जिद में। कारी साहब, हमारे कारी साहब हैं जो तराबियाँ पढ़ाते हैं, वो यमन के हैं और नमाज़ पढ़ने वाले भी ज़्यादा यमनी भी होते हैं, बीच में ये दूसरे हैं क्या बंगाली भी है, मगर ये जो चला रहे हैं मस्जिद को वो बंगाली है, बंगाली बाबा है। क्या नाम है उनका, क्या नाम वो अपना बताता है बंदा? मोमिन। हाँ वो मेरे व्लॉग के अंदर भी आया, उसका इंटरव्यू है मेरे व्लॉग में ना, लास्ट ईयर मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, उसने तो बताया था कि मस्जिद के बारे में। चल There are some sisters who have donated, please make dua for them. There are brothers who don't want to be named, have donated. Please make dua for everyone that has given donation to the house of Allah. May Allah take all their hearts from them. May Allah give them all the goodness for them. Amen. Amen. Sir Sahib, over to you. I have a very nice watch here. If you don't see anyone, please come and collect it. हाँ जी जनाब, ये सारम साहब जुम्मे के दिन आज उठे हुए हैं, सुबह उठते सारे कार्टून देख रहे हैं। ओए सारम क्या देख रहे हो? तो मैं भी जा हो गया फ्रेश हो, जुम्मे की तैयारी कर ली है, नहा ली है और जुम्मा पढ़ने जाना है। हैं अभी बजे हैं 11:30, सारम 11:30 हुए हैं इंशाल्लाह, तो आज जुम्मा पढ़ेंगे। आज हमारा 26वां रोज़ा है, तो आज 27वीं रोज़े की 27वें रोज़े की आज तराबियाँ पढ़ी जाएंगी, लैलतुल कदर की रात है आज सारे। और जनाब आप भी अपने जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं और अल्लाह को याद करें, आप अपने रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें और सारम ये देखो कि अल्लाह ताला हमें अगले साल रोज़े रखने की और हिम्मत दे, ताकत दे और ज़िंदगी ता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सर तो बात कर ले, ओए इनसे बात कर ले, क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ कार्टूनों के ऊपर बहुत खुश है इसीलिए। क्या वो क्या है, कौन है वो, कौन है? हाँ जी चले जनाब ठीक है इंशाल्लाह, अभी जुम्मे में जाते हैं तो होती है बादशाह ना, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो दिखाते हैं आपको। ओके कल का जनाब हमने व्लॉग शुरू किया हुआ है और अभी गए हुए थे गाड़ी के, वो सिलेंडर वगैरह ये ब्रेक का कुछ काम है वो ढूंढ रहे थे, तो मिल गया हमें, ऑर्डर कर दिया, मंडे को आ जाएंगे फिर गाड़ी हो जाएगी। यस इधर। हाँ जी ये जनाब हम आ गए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए अपने ये मस्जिद जो टू ओल्ड मस्जिद है। बढ़िया रेसा दे रहा है ये भी ऊपर, ये जगह जो ये जो म्यूजिक सेंटर है ना ये भी ले रहे हैं मस्जिद के लिए। हाँ जी ये जनाब शॉपिंग कर रहे हैं हसन, ये सब्जियां देखते हैं अपनी, बाबा जी साइकिल भी अंदर ही ले रहे हैं साहब, केले देखते हैं जबरदस्त जबरदस्त केले, ककड़ियाँ पता नहीं क्या है, ये रोड एरिया है। हाँ सर क्या क्या ले रहे हो? ये सब सब्जियों की दुकान है रोड के ऊपर ही, ये इसका इसको कहते हैं पता नहीं क्या दुकान का नाम, पहले मुझे पता था अब भूल गया।
क्या रह गया? वो लिया मैदा लिया। चलो उधर आगे, चलो उधर उधर है मैदा। हाँ जी जनाब, जुम्मा पढ़ के और शॉपिंग करके घर वापस जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह एक छोटा सा काम है, शॉपिंग उतारेंगे, वो अपना काम करूँगा और फिर चलेंगे थोड़ा सा, एक दोस्त की तरफ जाना है उसे मिलने के लिए। भाई बस एक जगह रोक दिया। आज जनाब अली बन रहा है चिकन और साथ में आलू और शिमला मिर्च वेज पकौड़ा, और ये पकौड़ों के लिए मसाला बन रहा है और ये सब्ज़ी बन रही है। हमारी ज़बरदस्त सब्ज़ी खाएँ और अपनी सेहत बनाएँ अपने लिए और अपने देश के लिए, अपनी जान बचाओ। ये चिकन पकौड़े अच्छा, ये चीज़ बॉल बनने हैं जनाब। जब जैसे चीज़ बॉल बनेंगे तो नाज़रीन आपको दिखाए जाएंगे चीज़ बॉल, और फिर इंशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ाम बंदोबस्त हो रहा है। हाँ जी उस्मान, रोज़ा जब कितने बजे है? खोल के जाना, हाँ फिर जाना बस सही। चलो सर, चलो चलो चलो, ओए वो क्या, बस वो संभाल लेना शापर शापर जो भी सिर्फ गन डाला है, ठीक है एक शापर में डाल के रख लेना। चलो हाँ जी जनाब, ये अभी अफ्तारी का टाइम बिल्कुल एंड पे है, जस्ट 25 मिनट लेफ्ट, और ये सारा हमारा इंतजार कर रहा था। हम लोग बाहर गए हुए थे। ये जनाब बड़ा कुछ बन रहा है, अभी आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये रोल क्या नाम है इनका, हसन? ये चीज़ रोल है जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये हैं पकौड़े, चिकन के पकौड़े, और साथ ही आज रोटियां घर की, माया बड़ी देर बाद ना घर की रोटियां। ये सारम गाड़ी ये जा रहे हैं, सारम ओए सारम किधर जा रहे हैं? तो जनाब अभी इस अफ्तारी में जस्ट मिनट बाकी बचे हैं 20, और हम गए हुए थे बाहर। आज बड़ा प्यारा मौसम था इसलिए मैंने ये पहनी हुई है और साथ में टी शर्ट पहनी हुई है। खामोश खामोश सारम, तस्बीह अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, सार मुझे दे रहे तस्बीह, क्या करूं? ये हमारे मुर्शिद ने तस्बीह पकड़ी होती है, अल्लाह ताला मुर्शिद को जल्दी से जल्दी रिहाई दे और हमें खुशी हो, इसलिए कि बहुत दिल के अंदर वो वाला दुख है जो बता नहीं सकते, कि एक हमारे लिए जेल के अंदर, अपने लिए नहीं, अपने लिए अगर होता तो उसके लिए, खान के लिए इंग्लैंड में बहुत कुछ था, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई थी, तो उसने ये मुल्क छोड़ा अपने हमारे बहन भाइयों के लिए, कि उधर हमारा मुल्क गरीब है, तो जो सियासतदान है ना वो ज्यादती कर रहे हैं, चुप करो। तो हम हमारे लिए वहाँ गया और इन गंदे सियासतदानों के अंदर जाके फंस गया, और सब ने क्या हाल किया हुआ है। अल्लाह ताला उसे इस रमज़ान में रिहाई दे और उसके घर वालों को, और सब अपने अपने जो रोज़े रख रहे हैं उनको मेरी तरफ से फिर एक बार ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक है जनाब। हाँ जी जनाब, हमें खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत पकौड़ों की, चिकन के पकौड़ों की, और बना हुआ है आज मुर्गी और आलू और शिमला मिर्च है अंदर, और ज़बरदस्त सब्ज़ी और साथ रोटियां और साथ पकौड़े और साथ मिलेगा मिल्क शेक। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 26वां रोज़ा ख़त्म हो गया है, आज 3वीं की नाइट है और कल 27वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहमान थे और मेहमान ऐसे गए हैं कि पता नहीं चला महीने का कि महीना किस तरह गुजर गया है। तो अल्लाह ताला इनका अजर और सवाब, जो हमारे वालदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, और अपने जितने भी बुज़ुर्ग पहले जा चुके हैं हमारे गांव में रिश्तेदारों के, सब के लिए इनका अजर अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, और हमें अगला रमज़ान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आप अपना ख्याल रखें और अपने अजीज क्या कह रहे हैं सर? सर क्या क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? yes. सर बात करो, बात करो मेरे सर, ऐसे करो कान, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो कान, ऐसे उंगली डालो कान के अंदर ऐसे। ये मैं एक दिन मैं खुजली कर रहा था अपने कान के अंदर, और सारम को पता चल गया कि ऐसे कान को करते हैं। सारम क्या क्या है? हाँ जी, कोई रमजान के, आपके रमजान कैसे गुजरे? रमजान गुजर गया पता ही नहीं चला। सही बात है, महीना ऐसे गुजरा है, इफ्तारियां की, काम शाम किया, बरकत वाला महीना था, बरकत वाला महीना, तरावियां पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, और आज तो अष्टमी की नाइट है, तो आज कितनी तरह की रात भी है, तो आज तो बहुत ज्यादा माहौल भी होगा, उसकी उसी चक्कर में आज ये इफ्तारी हमने रखी है। ओह माशाल्लाह, ये प्लेटें दिखाएं, प्लेटें दिखाएं, इफ्तारी है, पानी है, ये सारा आगे मेहमान आगे
क्या कह रहे तुम बताओ अपने, ऐसे करो ऐसे उंगली डालो कान में ऐसे, ये उंगली कान में उसी टाइम ऐसे करते सारे में ऐसे उंगली डाल के ऐसे 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 करते हैं, हिलाते हैं ऐसे कान साफ करते हैं। हाँ जी जनाब ये बिल्कुल सहरी का टाइम, हर टाइम मेरे ना मुंह सहरी निकलता है, अफतारी का टाइम बिल्कुल पूरा हो गया है। ये जनाब चिकन पकौड़े और ये क्या नाम है इनका, मुझे फिर उनके नाम भूल जाते हैं, ये चिकन ये क्या है, चीज रोल, चीज रोल। सालम चुप कर जा, ये मेरे आगे आ गया मुर्गी का सालन और ये रोटियां ताजा ताजा रोटियां जनाब। हमारे जनाब रोजा खुलने में सिर्फ रह गए दो चार मिनट, दो मिनट रह गए। और सारन ये देखो सारन क्या कर रहे हैं आप, अपने क्या ज्यादा ही बातें करना शुरू कर दी है, इसको नीचे उतारो। हाँ जी जनाब करते हैं व्लॉग एंड करते हैं और इसको करते हैं अपलोड, आप देखें एंजॉय करें, रोजा खोल लिया, नमाज पढ़ लिए, सिगरेट पी लिए और मैं और सारम बाहर घूमने गए हुए थे, ये ऐसे रेड़ता रेड़ता ना रेड़ रेड़ के बाहर गया हुआ था, वो देखे चलो जी चलो एंड करो सारम, ये देखो इधर देखो इधर देखो सारम, चलो चलो ऐसे करो बाय बाय करो बाय बाय, वो कैसे सवारा हो के आके बैठ गया हसन, चलो भाई एंड करें ठीक है जनाब। इंशाल्लाह आप व्लॉग देखें एंजॉय करें लाइक और सब्सक्राइब करें, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, ओके जी खुदा हाफिज़।